1, 2, 3 एंड 4 इज स्मॉलर साइज, दिस इज मीडियम और बाकी ये दोनों मीडियम ही है। तो मैंने नेटफ्लिक्स ले तो लिया है लेकिन पता नहीं चिल करने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज ये काम वो काम कितने सारे काम होते हैं दिन में, घर के काम होते हैं, सब बहुत सारा कुछ होता है। बट एनीवेज वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज का प्लान भी एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, आज के प्लान में मुझे बस मेरे ये दोनों सूटकेस को पैक करके मुझे इन दोनों का वेट करना है। मेरा सामान है अब तक का, मींस मेरे कपड़े हो गए थे, मेरे सारे शूज, मेरे सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सो इस सब सामान को मैं प्रॉपरली पैक करके दोनों बैग से मुझे आज वेट करवाना पड़ेगा। ये बैग काफी ज्यादा हैवी, आई डोंट नो इसके अंदर बस मेरे कुछ कपड़े, एक्चुअली कुछ नहीं पूरे कपड़े बचते, दिस इज टू हैवी। मैंने मेरे ब्लू वाले ट्रॉली बैग को कुछ इस तरीके से पैक किया था, मींस लिटरली मैं मेरे बैग के ऊपर ऐसे बैठ के मैं सिर्फ कूदा था, तब जाके मेरा ये ब्लू वाला बैग पूरा पैक हुआ था। आप लोग मानोगे नहीं, ये ब्लू बैग के अंदर बस मेरे कपड़े ही है एंड दैट्स इट। अब आई डोंट नो कि कपड़ों में इतना कैसे बैग भर गया, बट स्टिल आज इस बैग के अंदर जितने भी कपड़े हैं वो सब कपड़ों को मैं प्रॉपरली वैक्यूम पैक करूंगा और उसके बाद इसका मैच वेट कराऊंगा। मेरे दो बैग और प्लस रह के भी दो बैग, आज कैसे कुछ सीन है, सो लेट्स सी कि आज इनमें से कितना काम खत्म होता है, बिकॉज अगर वेट ओवर वेट हुआ तो हम लोग कुछ से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और अगर अंडर वेट रहा देन वी गाइस कैन बाय सम न्यू क्लोथ्स, बिकॉज मेरा एक और मेन प्रॉब्लम है दिस शूज, मेरा होल शूज कलेक्शन, बट उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। बट फिलहाल तो आई एम गोइंग टू हर होम। फाइनली अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है वॉक करने के लिए, एक पूरा बैग पैक हो चुका है ना, जिस शूज के लिए हमने कैसे वैक्यूम पैक किया है, तो मैंने एक वैक्यूम पैक में कुछ ऐसा किया है, तो दो है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सिर्फ कपड़े हैं अंदर फिलहाल, तो यहाँ पे सब बाकी का सामान है अभी, इंक्लूडिंग पर्स बैग्स एंड ऑल। तो आज बस हमारी पैकिंग हो पाई एंड दैट्स इट, बाकी का काम हम लोग कल करेंगे, ढांचा का मैं सारी मेरी पैकिंग करूँगा। और मुझे कहना पड़ेगा कि लाइक अब बैग्स के ओरिजिनल कलर्स दिख रहे हैं, मीन दिस लाइट ब्लू, दिस टाइप ऑफ रेड ऑरेंज एंड दैट ग्रे वन, वीडियो में एकदम मस्त दिख रहे हैं। ओके सो अभी फाइनली श्रेया की ट्रॉली बैग की पैकिंग काइंड ऑफ लाइक थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई, इंक्लूडिंग हर क्लोथ्स, फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान, फॉर एग्जांपल पर्स बैग्स एंड ऑल दैट, सो वो सब थोड़ा बहुत प्रॉपर पैक कर दिया है। तो आज है 6 नवंबर, मींस आज तो हर्षिल का आईएलएस का स्पीकिंग टेस्ट, उसका स्पीकिंग उसके आवाज के मुताबिक एकदम परफेक्ट गया था, बस अब होपफुली कि बस अब भाई का आईएलएस क्लियर हो जाए। अगर उसका हो गया तो आई एम डैम श्योर अगले कुछ महीनों बाद, मींस जब हम लोग कनाडा में लैंड होंगे उसके 2-3 महीनों बाद, हर्षिल भी यहाँ पे फॉर श्योर पहुंच ही जाएगा। अब तो बस भगवान से एक छोटी सी दुआ है कि बस उसका आईएलएस क्लियर हो जाए, बिकॉज हम दोनों का तो ऑलरेडी हो चुका है, सब डन है, बस उसका ही बाकी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बस हो जाए, इन शॉर्ट हो जाना चाहिए इस बार। तो सब तो मेरे पूरे रूम में और स्पेशली मेरे पूरे बेड के ऊपर कहीं भी जगह ही नहीं बची, बिकॉज ये मेरे दोनों बैग से पूरा बेड ऑक्यूपाई कर लिया है, बट कोई नहीं, मेरा ये एक बैग तो फुल्ली पैक हो ही गया है। ओके सो इतने सारे कुछ है, अभी आपको उतना आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट आई कैन जस्ट से दैट के इतना लेयर तो बस मेरा बैग का ही है और उसका 3 गुना यहाँ पे इसके ऊपर है। ऑलराइट सो मेरे ये बैग के अंदर फिलहाल तो बस कुछ वेसल्स और कुछ डब्बे एंड दैट्स इट, इतना ही कुछ सामान है। इसके अंदर 2-3 और डब्बे हैं, मीन्स लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल। मेरा पूरा कलेक्शन मिलता है, मेरे सारे जॉगर्स, अनफॉर्चुनेटली अब इन सारों का रैपर निकालना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, मेरा डेनिम जैकेट जो मैंने आई थिंक कितने साल पहले लिया था, 1 साल या 1.5 साल, आई थिंक मैंने लास्ट नवंबर तो फिर मैंने लास्ट अक्टूबर में लिया था, तब से मैंने इसे आज तक नहीं पहना, बिकॉज मेरा प्लान था कि मैं इसे पक्का कैनेडा जाते ही पहनूंगा। तो वो दिन भी काफ़ी नज़दीक है कि आपको मेरे इंस्टा के ऊपर फोटोज़ देखने को मिलेंगे किसी डेनिम जैकेट के साथ। सो मच, मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा के ऊपर, नाम है मिस्टर व्लॉगवर्स। और ये भी मेरी स्पेशल चीज़ है, दिस इज़ अ ट्रेंच कोट, पूरे सामान में से मुझे कहूँ तो लाइक दिस ट्रेंच कोट एंड दिस डेनिम जैकेट, दिस ड्रॉ माई पर्सनल फेवरेट। 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज स्मॉलर साइज, दिस इज मीडियम और बाकी ये दोनों मीडियम ही है। हम फटाफट से चारों बैग को प्रॉपरली वैक्यूम करेंगे अब प्रॉपरली वैक्यूम पैक हो गई है। एंड हियर आर माय क्लोथ्स, ये रहे मेरे सारे स्वेटशर्ट्स एंड हुडीज, देन मेरे सारे जॉगर्स, देन जीन्स, देन टी शर्ट्स, तो इन सबका वेट कुछ मिला के होता है 13 से 15 किलो ही एंड दैट्स इट। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, बिकॉज अब इसके अंदर और भी सामान भर सकता हूँ, मेरा एसेंशियल सामान मींस मेरा सारे कैमरा एक्सेसरीज है, मेरे सारे शूज और वो सब। सो गाइस टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक, नए हो सब्सक्राइब करो, बाकी मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा के ऊपर, नाम है मिस्टर व्लॉगवर्स। सी यू गाइस आफ्टर वन डे,
टिल देन गुड बाय सायोनारा दसवीं धान्य। अब ठंड अच्छी खासी बढ़ने लगी है बिकॉज टेम्परेचर, अगर मैं अभी का टेम्परेचर बताऊँ देन करेंटली 23 डिग्री सेल्सियस और अच्छा खासा भी ठंडा है, बट कोई नहीं।